हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ठीक है, पब्लिक के एक्सपेंडिचर पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी होती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर दो तरह से किए जाते हैं, एक तो डेवलपमेंट के लिए और दूसरा आता है आपके नॉन डेवलपमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए बहुत तरह के एक्सपेंडिचर्स करती है। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उस पर भी एक्सपेंडिचर किया जाता है, एक्सटेंशन ऑफ द इरिगेशन के ऊपर भी खर्चा होता है, आपके हेल्थ से रिलेटेड खर्चे किए जाते हैं, और हेल्थ के अलावा बहुत से प्रोजेक्ट गवर्नमेंट चलाती है सक्सेसफुली, तो प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा है। आप एजुकेशन के ऊपर भी गवर्नमेंट ही खर्चा करती है, तो एजुकेशनल जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट करती है, वो आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर ही माने जाते हैं। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स में पहली तो बात आती है पब्लिक इंटरप्राइजेस को बढ़ावा देना। ठीक है, जो आपके पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं उसमें इंक्रीजमेंट करना, उसको सपोर्ट करना, इंडस्ट्रियल सेटअप बनाना। गवर्नमेंट ने काफ़ी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, ताकि गवर्नमेंट अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर सके, जीडीपी को इंक्रीज कर सके, इकोनॉमी को ग्रो कर सके। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट अब सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। ठीक है, सब्सिडीज के साथ गवर्नमेंट कंसेशन प्रोवाइड करती है। किस पर्पज से? जो कंसेशनल लोन देना, लोन्स के साथ साथ गवर्नमेंट आपको टैक्स कंसेशंस प्रोवाइड करती है। आप जो प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रियल सेटअप हैं, जो इंडस्ट्री सेट की जाती है, उस पर कंसेशंस भी दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में अगर प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा, प्रोजेक्ट के साथ साथ जो है वो रोड बनाना, तो रोड बनाने के साथ आप एयरपोर्ट की फैसिलिटी, एयरपोर्ट में जो खर्चा किया जाता है वो भी गवर्नमेंट करती है। हॉस्पिटल बनाना, हॉस्पिटल के साथ साथ बहुत से एक्स्ट्रा खर्चे हैं जो गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो भी आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर्स में आता है। नॉन डेवलपमेंट में क्या आता है? नॉन डेवलपमेंट में आते हैं सोशल वेलफेयर के खर्चे। सोशल वेलफेयर के खर्चे में आपके जो आपके हेल्थ से रिलेटेड खर्चे हैं, आपके एजुकेशन से रिलेटेड खर्चे हैं, जो बेनिफिशियल्स नहीं होते हैं, पानी की फैसिलिटी, सेफ ड्रिंकिंग, तो ये भी इसी में आता है। वीकर सेक्शंस को बढ़ावा देना, तो वीकर सेक्शंस में आपकी जितने भी जो पॉवर्टीज से रिलेटेड लाइन्स हैं तो उनको कम करना, ये सारी चीज़ें आपकी पब्लिक एक्सपेंडिचर्स पॉलिसी में आती है। तो ये हमारे कंपोनेंट है पहला किस चीज़ का, फिजिकल पॉलिसी का, जो हमारी पब्लिक एक्सपेंडिचर्स पॉलिसी में आता है। अब अगर हम अनदर वन की अगर हम बात करें तो वो है टैक्सेशन पॉलिसी। तो उसकी मैं वीडियो फर्दर अपलोड करती हूँ टैक्सेशन पॉलिसी क्या होती है। लेकिन पब्लिक पॉलिसी जो है वो बहुत बड़ा बिग रोल प्ले करती है। पब्लिक पॉलिसी इन्फ्लुएंस करती है सिस्टम को, दे इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है। और इसके साथ साथ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर इकोनॉमी को अच्छे से ग्रो करना है, इकोनॉमी की अच्छे से ग्रोथ करनी है, जीडीपी को बढ़ाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ कैपिटल जो है वो जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही नहीं की जाती है, बल्कि पब्लिक सेक्टर दोनों को साथ में लेके, दोनों के साथ में इन्वेस्टमेंट करके, ताकि इक्वालिटी बनी रहे, इन इक्वालिटी ना हो, तो उसकी कमी को पूरा करना भी एक गवर्नमेंट का मेन मोटिव रहता है। तो वो ये जो आपका टॉपिक है वो है पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी के ऊपर। दो तरह से डेवलपमेंट की जाती है, पहला तो है आपका डेवलपमेंट के आधार पे भी एक्सपेंडिचर होता है, एंड सेकंड वन है नॉन डेवलपमेंट के आधार पे भी।
डेवलपमेंट के आधार पे आप ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, आपके रोड बनाना, इरीगेशन की फैसिलिटी, वो सब आते हैं। सोशल वेलफेयर में एजुकेशन, हेल्थ, सेफ थिंकिंग, पॉवर्टी को कम करना, उसके ऊपर खर्चा करना, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के पार्ट है।